इंडिया न्यूज आपको हर खास चीज से रूबरू कराते आ रहा है और हमारी कोशिश है कि यहाँ हर एक खास चीजों से आपको रूबरू कराएं। अक्षिता, हमने पेड़ा का स्वाद जरूर चखा था, लेकिन लस्सी से जो मोहब्बत है, लस्सी दास्तान है ना, थोड़ा सा बाकी रह गया था, लग रहा था कुछ अधूरा सा है। यहाँ पर ये भाई साहब लस्सी जो बना रहे हैं, और कैसे लस्सी कैसे दे रहे हैं सर जी? 50 रुपए की मलाई मार के लस्सी दे रहे हैं। 50 रुपए की मलाई मार के लस्सी दे रहे हैं, तो फटाफट 3 मलाई मार के लस्सी दे दीजिए हमें। और आप देखिए कि कैसे ये बना करके दे रहे हैं। यहाँ ये जो दही दिखाई दे रहा है, यहाँ मशीन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ये देखिए छाली यहाँ से उठा कर कैसे दे रहे हैं। ये पूरी थाली रखा है इन्होंने। अब सीधा क्या मुंह में पानी आ रहा है अभी? हाँ बिल्कुल आ रहा है, और लस्सी पीने का तो मेरा मन तब से ही कर रहा है कि अब पेड़ के बाद लस्सी भी हो जाए, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण भगवान मलाई दूध के वो थे, मक्खन के काफी माखन चोर भी बोला जाता उन्हें, दूध दही काफी बेहद प्यारा था उनको। और इसी कड़ी में लस्सी का बात हो, गर्मी भी थोड़ा बहुत गर्मी है, और गर्मी में एक राहत भी है ये, और लस्सी देखने में मजा आ रहा है। ये जो ग्लास है ना कुल्फी वाला, कुल्लड़, बिल्कुल बिल्कुल मैं गलत बोल दिया था, ये कुल्लड़ वाला जो लस्सी आपको मिला है, आय हाय ये लस्सी का क्या आनंद है। जब आप यहाँ आइए, बरसाने में आइए, गोकुल में आइए, वृंदावन के साइड में जाइए, मथुरा में जाइए, जब इधर के साइड में टूर के साइड में आइए ना, तो पेड़े खाइए तो खाइए ही, लेकिन लस्सी भी जरूर पी के जाइए और यहाँ का आनंद उठाइए। और मथुरा का राधे राधे का जो छाप है दिल पे तो छप ही जाएगा, साथ ही जो स्वाद की बात है वो भी आपके जबान पे आ ही जाएगा। जबान पे आ ही जाएगा, मतलब ये स्वाद आप भूल नहीं पाइएगा। आप मथुरा छोड़ के जाइएगा तो भी ये स्वाद आपके जेहन में वास करता रहेगा, आपके जेहन में श्री कृष्ण का वास रहेगा, आपके जेहन में राधा का वास रहेगा, आपके जेहन में ये स्वाद का भी वास रहेगा, क्योंकि ये काफी खास। देखिए कब पीछे कितनी सारी भीड़ भी है, आपको भीड़ भी दिखा रहे हैं कि सारे लोग यहाँ जो है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद पेट पूजा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में गर्मी से राहत पाने के लिए लस्सी भी पी रहे हैं। तमाम भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, सायं का काल हो चुका है, संध्या का टाइम है, और मंदिर के द्वार भी खुल गए हैं, मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं, फिर हार थक के अपने पेट पूजा के लिए अग्रसर भी हो रहे हैं। और इसी कड़ी में भी जाना है बाकी बिहारी जी के दर्शन करने, तो बाकी ये लस्सी पियेंगे, उसके बाद बाकी बिहारी के दर्शन करेंगे, और आपको भी बाकी बिहारी का दर्शन कराएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।